राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के करोल बाग इलाके में एक मकान ढहने से बड़ा हादसा हुआ है। इमारत का कुछ हिस्सा ढह गया और मलबे में कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका है। हादसा होने के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। दिल्ली अग्निशमन सेवा ने सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में सहायता के लिए 5 गाड़ियां घटनास्थल पर भेजी हैं। बता दें कि ढहने वाली बिल्डिंग करीब 25 वर्ग गज क्षेत्र में फैली हुई थी, जो पुरानी थी। हादसे के बाद अब तक 12 लोगों को बचाया जा चुका है। पिछले महीने इस तरह की एक घटना में दिल्ली के मॉडल टाउन में भारी बारिश के दौरान पुनर्निर्माण के लिए ध्वस्त की जा रही एक जर्जर इमारत के ढहने से 3 लोग घायल हो गए थे।